अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। तो आज हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट्स, ठीक है। इससे ये डिस्कशन के बाद आपका कुछ रिएक्शंस पार्ट बहुत आसान हो जाएगा। कुछ रूल्स हैं, उसको बस जस्ट आपको फॉलो करना है। उस रूल्स के अनुसार मैं अभी कुछ क्वेश्चंस भी करा कर दिखाऊंगा आपको। 30 से 40 क्वेश्चंस जो रिएक्शन बेस्ड है एनसीईआरटी के हैं, वो आपके चुटकी में हो जाएंगे। तो ये एक तरह से कहिए, आप जो हीटिंग इफेक्ट कोई करने वाले हैं, वो पूरे जो पी ब्लॉक है अपना, ब्लॉक का मेन थीम है, मेन बेस है, ठीक है। तो इसको अच्छे से सुनिएगा। जो सबसे पहला क्या है, यदि कोई भी मेटल कार्बोनेट आपको दिया जाता है, मेटल कार्बोनेट, उसको हीट कीजिएगा तो बनता है मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। क्यों, देखिए मेटल कार्बोनेट है, CO3 है, CO3 से CO2 बन जाएगा और मेटल के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा और मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरह यदि मेटल हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड में क्या OH आ रहा है, तो OH क्या बना देगा आपका, H2O बना देगा और मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। तो मेटल ऑक्साइड दोनों बन रहा है, यहाँ पर OH H आ गया इसलिए H2O बन रहा है, जबकि यहाँ पर C था तो यहाँ पर CO2 बनना था। ऐसे आप याद रख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मेटल नाइट्रेट्स MnO3, इसको यदि आप हीट करते हैं तो बनेगा मेटल ऑक्साइड, ठीक है, फिर बनेगा NO2 एंड O2। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही पर है। मेटल नाइट्रेट्स को जब भी आप हीट करते हैं तो बनेगा आपका क्या, मेटल ऑक्साइड बनेगा, जैसे कि सब में बन रहा था। साथ में आपका क्या बनेगा, NO2 गैस निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या निकलेगा, NO2 गैस और साथ में O2 निकलेगा। इस पर नीट काफ़ी क्वेश्चन पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। फिर से सुनिए एक बार, यदि मेटल नाइट्रेट्स को हीट किया जाता है तो उससे निकलेगा मेटल ऑक्साइड्स प्लस NO2 प्लस O2। लेकिन इस जो इस ये रूल्स है, ये मेटल का जो रूल है, इस मेटल में कुछ एक्सेप्शंस है। यदि फर्स्ट का हो, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का यदि मेटल हो तो इस ये यदि मेटल आ जाए, इसके नाइट्राइड्स को हीट करने पर आपको डायरेक्टली मेटल ऑक्साइड NO2 O2 नहीं मिलेगा। इसको यदि आप हीट करते हैं तो पहले क्या होगा, यदि मेटल नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो यदि लो टेम्परेचर पर हीटिंग दिया है, यदि क्वेश्चन में दिया है कि NaNO3 एट लो टेम्परेचर हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, पहले MnO2 बनेगा और हाफ O2 बनेगा, ठीक है, MnO2 बनेगा और हाफ O2 बनेगा, फिर इसको हीट कर रहे हैं, फर्दर हीटिंग दिया हो या हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो, तो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो M2O प्लस N2 प्लस O2। तो मेटल का ऑक्साइड तो बन रहा है, लेकिन साथ में यहाँ क्या निकल रहा है, N2 अलग से निकल रहा है, O2 यहाँ भी निकल रहा था, O2 यहाँ भी निकल रहा था, यहाँ पर अलग से क्या निकल रहा है, N2। तो आपको यह ध्यान रखना है, जब भी सोडियम पोटेशियम रुबिडियम या सीजियम के नाइट्रेट्स हो, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के नाइट्रेट्स हो, तो उनको यदि लो टेम्परेचर हीट कर रहे हैं आप, तो आपको पहले मिलेगा MnO2 प्लस O2। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो मेटल है वो NO2 को छोड़ नहीं रहा है। क्यों नहीं छोड़ रहा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ज़्यादा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो NO2 माइनस के साथ अच्छे से बॉन्डिंग किए हुए हैं, तो आसानी से छोड़ेंगे नहीं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक लाइन में क्या कह दूँ फिर से आपको, यदि नाइट्रेट्स है सोडियम पोटेशियम रुबिडियम या सीजियम के, तो उनको यदि आप हीट करते हैं एट ए लो टेम्परेचर, तो आपको पहले मिलेगा MnO2 प्लस O2। यदि उसको फर्दर हीटिंग करते हैं तब ये नाइट्रोजन छोड़ देगा, तब बनेगा M2O, N2 और O2। ये आप ध्यान रखें, ठीक है। फिर हम आते हैं अमोनिया पर। तो यदि आपके पास अमोनियम सॉल्ट्स हैं, ठीक है, हैविंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायंस, क्योंकि अमोनियम सॉल्ट है तो अमोनिया तो NH4 प्लस हो गया, यानी कि तो कैटायनिक पार्ट अमोनिया हो गया, तो उसके साथ जो एनायनिक पार्ट है यदि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, और जब भी हम ऑक्सीडाइजिंग का बात करते हैं तो मेरे दिमाग में आता है हमेशा KMnO4, K2Cr2O7, HNO3, ये लोग क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो इनका आप एनायनिक एनायन ले लीजिए, तो KMnO4 में MnO4 माइनस, इसमें Cr2O7 माइनस 2, इसमें NO3 माइनस, यानी कि ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायंस है। तो ये देखिए, यदि अमोनिया का सॉल्ट्स हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायंस के साथ, जैसे कि MnO4 माइनस, Cr2O7 माइनस 2, NO2 माइनस, NO3 माइनस, यदि ऐसा है तो वो सॉल्ट हीट करने पर आपको कौन सा गैस देगा, N2 देगा, और एक केस में N2O भी देगा, वो मैं बताऊंगा किस केस में, ठीक है, वहाँ डिस्कस करूंगा मैं, उसके लिए आप टेंशन ले लीजिए, N2 देगा और या N2O गैस देगा, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। लेकिन यदि वही अमोनियम सॉल्ट हो हैविंग नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायंस, मतलब जो उसके एनायंस है वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग में हो, जैसे कि आप SO4, आपका भी SO4 माइनस 2 हो गया, PO4 माइनस 3 हो गया, H3PO4 से निकाला गया है, H2SO4 से निकाला गया, ठीक है, SO4 माइनस 2, ये PO4 माइनस 3, कार्बोनेट हो, फोस्फेट हो, सल्फेट हो, हैलाइड्स हो, यदि ये हैं तो ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायंस में है, ठीक है।
और ये यदि रहते हैं तो आपको आसानी से ये हीट करने पर आपको अमोनिया देंगे, ध्यान रखना आपको। तो फिर से मैं बोल दूँ आपको, अमोनियम सॉल्ट्स यदि आपको MnO4- के साथ दिख जाए, Cr2O7-2 के साथ दिख जाए, NO2-NO3- के साथ दिख जाए, तो ये हीट करने पर N2 या N2O गैस देंगे। लेकिन वही सल्फेट के साथ, फॉस्फेट के साथ, कार्बोनेट के साथ, हैलाइड के साथ दिख जाए तो आपको क्या देंगे, ये अमोनिया देंगे। यहाँ तक के रूल्स आप अच्छे से याद रखें। फिर आते हैं अगला रूल पर, क्या है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोराइड है तो उसको हीट करेंगे तो क्या देगा, लो ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोराइड एंड Cl2। ये भी याद रखिए, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। अगला इंपॉर्टेंट, यदि मेटल सॉल्ट्स है, यहाँ पर अमोनिया का सॉल्ट है, यहाँ पर मेटल का सॉल्ट हो ऑक्सीडाइजिंग एनायन के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एनायन मीन्स वही MnO4- Cr2O7-2 NO3- Cl3-, तो वो हमेशा हीट करने पर आपको क्या देगा, O2 गैस देगा हमेशा। मेटल सॉल्ट्स हो, मेटल सॉल्ट्स ध्यान रखना आपको, यहाँ पर अमोनियम सॉल्ट्स था तो N2 या N2O दे रहा था, यहाँ पर मेटल सॉल्ट्स है तो आपको O2 देगा हमेशा। यदि मेटल बाइकार्बोनेट हो तो हीट करने पर क्या देगा, मेटल कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, H2O इसलिए दे रहा होगा कि H आ रहा है और CBr इसलिए CO2 दे रहा है, और ये MCO3 जो बन गया ये फिर हीट करेगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, मेटल कार्बोनेट बन गया, मेटल कार्बोनेट फिर ब्रेक हो क्या देगा, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, गेटिंग। लेकिन कुछ लेस स्टेबल मेटल ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि Ag2O होते हैं और HgO, ये NCRT का है और ये एम्स में पूछा भी गया है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। Ag2O और HgO जो होते हैं लेस स्टेबल ऑक्साइड है, तो जो जनरल मेटल कार्बोनेट को हीट करने पर क्या रहता है, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 देकर रुक जाता है। लेकिन Ag2O या HgO ये चूंकि लेस स्टेबल मेटल ऑक्साइड है तो ये डिकम्पोज करके फर्दर आपको Ag एंड HgO देंगे, ठीक है, इन पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा थोड़ी देर बाद। फिर अपना जो अगला है वो CuS, मान लीजिए हाइड्रेटेड सॉल्ट्स ले रहे हैं, तो CuSO4.5H2O, इसको आप हीट करते हैं मोर देन 200°C पर, तो पहले क्या होता है, जो 4H2O हट जाएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे अलग से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपको एक H2O बचाना, फिर उसको हीट कीजिए तो फिर वो भी H2O चला जाएगा। उसके बाद हीट करने पर जो आपको ध्यान रखना है, उस जो कॉपर ऑक्साइड देगा और SO2 गैस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पर SO2 मिलेगा हमेशा, चाहे वो जिंक सल्फेट का हो हाइड्रेटेड फॉर्म, उसमें आपको क्या निकलेगा, SO2 और O2 निकलेगा, यहाँ भी SO2 और O2 निकलेगा। लेकिन यदि FeSO4 7H2 आ जाए, ठीक है, आयरन सल्फेट का जो हाइड्रेटेड फॉर्म है उसमें क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या निकल रहा था, SO2O2 कॉपर का हो या जिंक का हो, लेकिन FeSO4 में जो हो जाए, इसको जो ग्रीन विट्रोल बोलते हैं, ठीक है, इसमें आपका निकलेगा SO2 प्लस SO3, ये ध्यान रखना, ये नीट में आया, ये नीचे वाला क्वेश्चन ये FMD में, ठीक है, इसमें क्या होगा SO2 प्लस SO3 होगा, जबकि ये FeSO4.7H2O, जबकि Fe2SO4 का होल थ्राइस, इसको हीट करने पर सिर्फ SO3 निकलेगा। तो ये FMD में पूछा गया था, ये जनरली सबको पता था, डिस्कस होता था, तो FeSO4.7H2O SO2 प्लस SO3 दोनों देता है, लेकिन जो ये है ये सिर्फ SO3 देता है। तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन था वो था SO2 प्लस SO3, तो मैक्सिमम लोग यही टिक करके आए थे, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। यदि Fe2SO4 का होल थ्राइस दिखता है तो आपको SO3 देना है, ठीक है, और यदि +2 वाला दिखता है तो आपको SO2 प्लस SO3 दोनों बनाना है, यानी कि ये +4 वाला भी बनाना है आपको और +6 वाला भी बनाना है। इसको फिर हम क्वेश्चंस में भी डिस्कस करेंगे एक बार और, ताकि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे। तो इन प्रिंसिपल्स को आप ध्यान रखिए, अभी जा रहे हैं क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कुछ, आपको देखेंगे आप कितना क्वेश्चंस कर पाते हो उसमें, आप ट्राई कीजिएगा अपने से भी एक बार, क्योंकि जो ये प्रिंसिपल्स इतने हैं इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस होंगे।